हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय ट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 14 विजिट टू ओरछा के क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन, बोध प्रश्न। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हैप्पी। क्लास 7 के जो बच्चे हैं खुश क्यों थे। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी उत्तर दीजिए जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर पर बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, जिसमें क्लास फर्स्ट से 12th तक आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लेसन का, साथ में उसकी समरी और समरी के साथ आपको सारी चीजें कराई जाएगी लेसन से संबंधित, जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्लास 7 के बच्चे जो है खुश क्यों थे, वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो वार्तालाप कर रहे थे ओरछा की यात्रा की। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है विजिट, विजिट का हिंदी मतलब होगा यात्रा, यात्रा के बारे में वे बात कर रहे थे इसलिए वो जो खुश थे। जब भी वाई से क्वेश्चन आता है तो आपको बिकॉज से जोड़कर लिखना होता है, वर यानी थे, स्टूडेंट्स यानी छात्र, ऑफ क्लास 8 यानी क्लास 7 एंड क्लास 7 के, हैप्पी यानी खुश, क्यों क्यों थे, बिकॉज यानी क्योंकि, देवर आल यानी वे सभी, डिस्कसिंग बातें कर रहे थे, देयर विजिट उनकी यात्रा की, जो उन्होंने यात्रा की थी ओरछा की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर्स कॉल्ड। जब नदियां मिलती हैं तो उस मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, जब नदियां मिलती हैं तो उस मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। व्हाट इज यानी क्या है, द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स, नदियों के मिलने का कॉल्ड यानी कहना है ना, व्हाट इज मीटिंग है ना, क्या कहलाता है जब नदियां मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको संगम कहा जाता है। द मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर, जो स्थान जहां पर नदियां मिलती हैं वह संगम कहलाता है, काल देने कहलाना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सेंट ऑफ, सेंट ऑफ क्या है, सेंट ऑफ किसे कहा जाता है। सेंट ऑफ का हिंदी मतलब होता है स्मरक, यानी जो चीजें याददाश्त के लिए बनाई जाती हैं उसको सेंट ऑफ कहा जाता है। तो सेंट ऑफ होती क्या है, सेंट ऑफ जो होती है आपकी मोनूमेंट्स होती है, यानी स्मरक चीजें होती हैं, जो याददाश्तिक चीजें होती हैं वो सेंट ऑफ कहलाती हैं। जैसे ताजमहल हुआ, दिल्ली की कुतुब मीनार हुई, हैदराबाद का लाल चार मीनारा हुआ, इस टाइप से। तो जहाँ पर बच्चे विजिट जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं ओरछा, तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसको मोनूमेंट्स बोलते हैं, स्मारक बोलते हैं, याददाश्तिक चीज़ें बोलते हैं। अ सेंट ऑफ इज अ मोनूमेंट्स बिल्डिंग इन मेमोरी टू समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स, है ना। एक बिल्डिंग होती है, एक भवन होती है जिसको किसी की याद में मनाया जाता है, जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है। सेंट ऑफ इज ए मोनोमेंट, सेंट ऑफ जो है एक याददाश्तिक बिल्डिंग है, बिल्डिंग यानी भवन है। इन द मेमोरी टू, जो किसी की याददाश्त में मनाई जाती है, समवन यानी किसी, हु यानी जो, हैज डाइड जिसकी मृत्यु हो चुकी है, समवेयर एल्स कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द सेंट ऑफ एट ओरछा, और ए ओरछा में सेंट ऑफ क्या है, है ना। तो ओरछा में सेंट ऑफ है जिसको क्या कहा जाता है, तो छतरी कहा जाता है, जो छतरी है वो जो है उसको सेंट ऑफ कहा गया है। व्हाट आर द सेंट ऑफ एट ओरछा, ओरछा में सेंट ऑफ क्या है। द सेंट ऑफ एट ओरछा आर कॉल्ड छत्रीस, जो होती है वो छत्रीस कहलाती है। दोस्तों यहां पर छत्री की स्पेलिंग जो है गलत हो चुकी है, तो मैं इसको आपको सही करके बता रहा हूं, सी एच फिर एच टी ए फिर ए टी आर आई ई एस छत्रीस, सी डबल एच ए टी आर आई ई एस छत्रीस, है ना दोस्तों। तो वहां पर छत्रीस जो है मोनूमेंट से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु बिल्ड द बिल्डिंग एट ओरछा, ओरछा में भवने किसने बनवाई, हु यानी किसने
किसने बिल्ट इन्हें बनवाना, द बिल्डिंग्स एंड उन भवनों को एट ओरछा है ना, ओरछा में। तो किसने बनवाई थी, तो बुंदेला राजा ने जो है वहाँ की बिल्डिंगों भवनों को बनवाया था। द बिल्डिंग्स एट ओरछा, ओरछा में जो भवने हैं वर बिल्ट, वो बनवाई गई थी बाय बुंदेला किंग के द्वारा। बाय का हिंदी मतलब होता है के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिलोंग टू। जो ओरछा में जो ओरछा में पेंटिंग्स हैं वो किस प्रचलन से संबंधित हैं, है ना। बिलोंग टू यानी संबंधित होना, स्टाइल यानी प्रचलन, है ना। वॉल यानी दीवारों पर, पेंटिंग्स यानी जो चित्र ओरछा, है ना, जो चित्र ओरछा में बनवाए गए हैं दीवार पर वो किस प्रचलन से संबंधित हैं, तो वे बुंदेला स्टाइल से प्रचलित हैं, है ना। वे बुंदेला प्रचलन की है, वे जो पिक्चर है वो बुंदेला की है, वो पिक्चर है जो है। ओरछा वाज द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल। ओरछा जो है, ओरछा यानी जो शहर है ओरछा, वो था मेन सेंटर, क्या था, मुख्य केंद्र था किसका, बुंदेला स्टाइल का। बुंदेला स्टाइल का मेन केंद्र जो है ओरछा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेन वर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर। जो वॉल पेंटिंग थे वो कब प्रसिद्ध हो गई थी, वेन यानी कब, वर यानी थी, वॉल यानी दीवारें, पेंटिंग्स यानी चित्र, वेरी पॉपुलर यानी बहुत फेमस। ड्यूरिंग द 16th and 17th century दे वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर। 16वीं और 17वीं शताब्दी में वे वॉल पेंटिंग बहुत ही फेमस हो गई थी। ड्यूरिंग यानी दौरान, 16वीं और 17वीं शताब्दी के वो पिक्चरें बहुत फेमस हो गई थी। वेरी यानी बहुत, पॉपुलर यानी फेमस हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु लुक आफ्टर ओल्ड मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग। वो जो स्मारक रहते हैं, याददाश्तिक चीज रहती है, उनकी देखभाल कौन करता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, हुए ने कौन, मोनूमेंट्स यानी स्मारक चीजें और वो भवने। तो पुरातात्विक डिपार्टमेंट जो होता है उन भवनों की, उन मोनूमेंट्स चीजों की, जो आदिस्त स्मारक हैं उनकी जो है देखभाल करता है, कौन करता है, पुरातात्विक विभाग करता है। तो आर्कियोलॉजिकल का मतलब पुरातात्विक डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर, पुरातात्विक विभाग देखभाल करता है ओल्ड मोनूमेंट्स यानी उन प्राचीन स्मारकों की, प्राचीन यादिस्तिक जो चीजें, जो भवने बनी हुई है उनकी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।